देख के क्रोध मेरा मैं खुद हुआ भयभीत सा, खुद से कहा क्यों है तू इतना ढीठ सा। ये रोग था मुझे जन्मजात से, डरता था अपने आप से, इस तरह व्यवहार से, अपने क्रोध के संसार से। तो अब सिंपति बटोर के चल पड़ा हूँ, फूटेगा एक दिन ऐसा छल घड़ा हूँ, आए कैसे वो मैं तो खुद को रोंद के कल खड़ा हूँ। द्वंद है दिल का दिमाग से, छोड़ दो ये मोह समाज से, फूंक कर खुद को आज से, बना दो राख मन के साथ से, चुप करा दो ये शोर अपने अंदर की आवाज से। मन से माया तो तनाव रहते हैं, अनुभव वास्तविकता अस्थि मनोभाव यही कहते हैं। निरर्थकता के लिए मैं निमोही हूँ, जगत माया के लिए मैं विद्रोही हूँ, इन रास्तों में एक रास्ता ढूंढ लूँ मैं ऐसा बटोही हूँ। मैं मानता नहीं कुछ भी जो समाज ने मुझको गलत सिखाया है, ये उपज है छोटे दिमाग की या फिर किसी ने दुष्चक्कर में फंसाया है। इस समाज ने क्या फंसाया है, उसने वही बनाया है जो मैंने खुद को बनाया है। सारी बातें हैं अनजान सी, तो क्यों रहूं मैं अपमान में, सच समझ ना आए तो देख लो आसमान में। इंस्पायर हुआ महादेव से, तब ज्ञात हुआ खुद के एव से, विनाश निश्चित है उसी एक मेव से, फिर मैं जुड़ गया परम सत्य एक से। मैं कर चुका हूँ खुद के भाव बद्ध, खुद से ही हो गया मैं रद्द, देख के मेरे डार्क साइड में हो गया स्तब्ध, पर अब क्यों है स्तब्ध जब हो गया है बद्ध। अरे तेरी मृत्यु हो चुकी है, डार्क साइड हो चुकी है, विपरीत बुद्धि वाली रातें सो चुकी है, तो किस बात का इंतजार है, समस्त प्रक्रिया तो हो चुकी है। दिमाग में ज्ञान नहीं था समाज का, पर मन को शांत किया मैं, रोता गया मैं, खोता गया, वैराग्य के बीज बोता गया, हर भोर के साथ में वैरागी होता गया। महादेव का भक्त बना तो ध्यान का आस किया, लोगों का नहीं खुद के स्वरूप का विनाश किया, इस विनाश को मैंने प्रकाश दिया तो महादेव ने खुद शाबाश दिया। करके आया हूँ खुद के भावों का हवन, हवन तो होना ही था ना उनको गमन, तो होना ही था ना होना, तो वही है ना जो हो चुका है। बातें सारी दरकिनार अब होने लगी है, मेरी सांसें रो रो कर रुकी है, और पूरी रातें मैंने रो रो कर काटी है, किसको क्यों बताऊँ मैं ये बताना थोड़ी ज़रूरी है। विनाश ज़रूरी था क्योंकि मेरा गुस्सा कर देता है बर्बाद सबको, इसलिए तोड़ दिया मैंने सोसाइटी के सारे नॉर्म्स, कौन से रूल, कौन से रेगुलेशन, कोई नहीं अब लिमिटेशन। सारी बातों को दरकिनार कर कि मैं एक ही बात तुमको बताऊं, यदि ना किया होता मैंने अपनी भावों को वध, तो मैं कर देता किसी और के भावों को वध। मेरी डार्क साइड इतनी भयंकर है कि वो कर ही देता सच में भावनाओं को वध। इस समाज को रास नहीं वो लोग जो सीधे और सरल होते हैं, जिनकी नीयत होती है साफ, वो दोगले नहीं वो होते हैं स्पष्टवादी। समाज उसको स्वीकार करता है जो होता है एकदम दोगला, जो बनता है झूठ मूठ का समझदार, भगवान के आड़े वो बच जाता है और गलत साबित होने से बहुत डरता है। सारी बातें यही होती है कि सीधा बंदा कटता है, और जो अड़ियल होता है और जो झूठा होता है वो बच जाता है, सोसाइटी की यही है रियलिटी। तो कैसे बताऊं मैं, कैसे दरकिनार करूं बातों को, यही सोच कर मैं परेशान होने लगा था। नीयत साफ थी, काम कुछ ऐसा करना था जिससे नाम होना था, खुद का नहीं किसी और का भी नहीं, बस वो काम ही नेक था, पर कैसे बताए कि समाज में रहने के लायक नहीं होते हैं वैरागी लोग। ये देश का और समाज का दुर्भाग्य यही होते हैं कि सीधे और साफ नीयत वाले लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, और दोगले और झूठ मूठ के समझदार लोग सामाजिकता में फंसे रहते हैं। बस वैराग्य का यही फायदा होता है कि सबसे बड़ा नशा वही होता है। आज तक किसी ईश्वर से मैं इतना इंस्पायर नहीं हुआ जितना हुआ हूँ महादेव से, क्योंकि महादेव ही है सर्वोपरि। अब मैंने सोचा था मैं कर दूंगा लोगों की भावों का वध, पर मैं कर चुका हूँ खुद के भावों का वध, क्योंकि जरूरी होता है खुद के भावों का करना वध। क्रोध का हो चुका है वध, और पुराने आनंद का हो चुका है विनाश। अभी प्यार है और वैराग्य है, और सामाजिकताओं से दूर हूँ, क्योंकि महादेव ने यही सिखाया है कि वैराग्य उन जैसा किसी में नहीं, तो महादेव के लिए वैराग्य है ये। और महादेव क्या सिखा सकते हैं मुझको, मुझे तो महादेव से सब कुछ सीखना है। महादेव का ध्यान चाहिए मुझे, महादेव का योग चाहिए, महादेव जैसा वैराग्य चाहिए, महादेव जैसा प्यार चाहिए। बस बोलो हर हर महादेव, यही मेरी वाणी रहती है हर दम। हाँ कर चुका हूँ खुद के क्रोध का विनाश, हाँ कर चुका हूँ अपने स्वरूप का विनाश, अब तो है वैराग्य और प्यार का एक मेव। बोलो हर हर महादेव, विघ्नहर्ता है मेरा सखा, बाकी सारी बातें आती रहेगी, सच में बातें आती रहेगी, क्योंकि आनंद की मृत्यु थोड़ी हुई है, मृत्यु हुई है मेरी डार्क साइड की, मृत्यु हुई है स्वरूप की, मृत्यु तो हुई है उस चीज की जिससे
मनुष्य अराजकता फैल सकती थी, पर मृत्यु हो चुकी है तो कोई भय नहीं है। भय कुछ नहीं है, सब है वैराग्य के अंदर लिप्त और सुकून सा है रूह को। और मेरी मृत्यु के बाद भी सारी बातें यही गुनगुनाती रहेगी, क्योंकि आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, वो स्वरों पर ही रहती है, सर्वत्र रहती है, ब्रह्मांड में हमेशा गुनगुनाती रहती है। ये है वैराग्य, यही है जीवन। सीखते हैं, समझते हैं, चलते हैं और सामाजिकताओं को दरकिनार करके आगे बढ़ते रहते हैं। यही है आनंद, यही है आनंद का स्वरूप, यही है मेरी नियति। जहाँ हम देते हैं सत्यता को अर्घ, तभी तो बना है आनंद सर्ग। लेके महादेव से शाबाश हुआ वैराग्य का प्रकाश, आनंद मतो निराश पूरी हुई तलाश, हो गया है मेरी डार्क साइड का विनाश।